जाना इतना आसान है वियतनाम के लिए कि आप लोग खुद अपनी आइटनरी को प्लान करके जा सकते हैं। वीजा अप्लाई करना इसका बहुत इजी है। मैंने लिटरली 3-4 फिरंगों को वहां पर हनोई में देखा। वो बेचारी मेरे ख्याल से वो चाहे फोन में देख रही थी या कुछ, वो गलत साइड देखी, वो पीछे से आई बाइक वाली, उसने बीच में घुसा दी, उसके उड़ते हुए गिरी आगे जाके। और तुम्हारी वेट कर रहा था, हमारी वेट सर, आइए प्लीज आइए। और सारे लोग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे ना, क्योंकि भाई इनकी वजह से लेट हुई थी फ्लाइट। मतलब वहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक बार चाइनीज न्यू ईयर की डेट्स जरूर चेक कर लेना। ओके, क्योंकि वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर भी चाइनीज न्यू ईयर को फॉलो किया जाता है। एक चीज जो हमने करी इसमें दीपक जी, की हमने किसी भी ट्रैवल एजेंट या मतलब कोई भी थर्ड पार्टी का हमने यूज़ नहीं किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ भाई, वेजिटेरियन लोग अवॉइड करें वियतनाम जाना। नहीं, इसमें आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा जाने का। अच्छा, और यही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने ये वाया वाया वाली फ़्लाइट ले ली थी। जिन लोगों के पासपोर्ट पे नाम सिंगल है सिर्फ, मतलब सिंगल एज इन द सेंस सरनेम नहीं है, सरनेम नहीं है आपका कुछ भी, तो उन लोगों को काफी डाउट्स रहते हैं कि भाई हम फ्लाइट टिकट में क्या नाम डालें, हम वीजा में क्या। सो भाई नमस्कार, अभिनंदन आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? सो देखो भाई, मैं आज बाहर आया था कहीं पे, तो मुझे तोमर भाई का कॉल आया। ये तोमर भाई हैं हमारे, बहुत पुराने मित्र हैं। कैसे हो तोमर भाई? बढ़िया दीपक जी, मैंने कहा पूछना जरूरी है भाई। सो बात ये है कि भाई मैं कहीं बाहर आया हुआ था, आज संडे का दिन है। सो मैंने कहा चलो, तो इनका कॉल आया भाई, मिल लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई आज मिल भी लेते हैं। तो हम दोनों भाई आ गए, एक जगह बैठ गए। सो ये अपनी अभी कहीं बाहर घूमने गए थे, बेसिकली वहाँ के बारे में बता रहे थे। तो बहुत सारे स्ट्रगल वहाँ पे हुए इनके, बहुत सारी समस्याएं आई जाने में बाहर, आउट ऑफ इंडिया से वियतनाम आई थिंक मेरे ख्याल से गए थे। हाँ, वियतनाम गए थे। तो मैंने सोचा, मैंने क्यों ना यार एक वीडियो कर ली जाए कि लोगों को जो वियतनाम जाने वाले हैं, अब्रोड जाने वाले हैं या जा चुके हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, तो वो सब चीज़ें भाई से पूछते हैं कि भाई ताकि लोगों को हेल्प हो जाए आगे चल के, है ना, कोई दिक्कत ना मतलब है, परेशानी मेरा है। जितना एक्सपीरियंस रहा है मतलब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जाने का, तो जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स मुझे आए थे तो आप शायद उससे बच पाओ। हाँ, तो वही आइडिया इस वीडियो में चीजों को डिस्कस करूंगा। तो भाई ये वीडियो आएगी गो एक्सप्लोर फॉर यू चैनल पे, नाम ही गो एक्सप्लोर फॉर यू है। तो हमने ये भी सोचा साथ में, क्यों ना एक ऐसी एक सीरीज पूरी बना दी जाए आप लोगों के लिए, जो भी चीज़ें मतलब हर तरह का कोई भी पॉइंट हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पे एक लंबी बात करेंगे। सो आज पहले वियतनाम पे बात कर लेते हैं, ठीक है जी। सो ओवर टू यू। तो यार वियतनाम जाने का मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे बना। हम लोगों के पास देखो पहला आइडिया था कि हम ट्रैवल तो करना चाहते हैं कहीं पे बाहर, बट यार ऑब्वियसली सब लोग सोचते हैं यूरोप चले जाएं, यूएस चले जाएं, भाई पैसा भी लगता है उसके लिए। सही बात। तो एक अपना नॉर्मल मिडिल क्लास इनकम वाले पर्सन की अगर मैं मेंटालिटी से सोचूं, तो एक डेस्टिनेशन हमें समझ आई, काफ़ी इंस्टाग्राम के रील्स पर भी हमें दिखती रहती थी कि यार वियतनाम चलते हैं। और जब थोड़ा बजटिंग वगैरह किया तो उससे समझ आया कि वेल विद इन द बजट में आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक। तो दूसरा एक फैक्टर था डिसाइड करने का इस पे कि यहाँ तक आपकी जो ड्यूरेशन है ट्रैवल का वो ऑलमोस्ट आपका 6 घंटे के आसपास है, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। ये कब कब गए थे आप, कब कौन से महीने की बात है? ये मैं लास्ट मंथ गया था यहाँ पर वियतनाम। अच्छा, तो मतलब मौसम के हिसाब से भी हमने थोड़ा वहाँ पे स्टडी कर ली, मतलब मार्च फरवरी मार्च के आसपास आप गए थे। हाँ, मतलब वहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक बार चाइनीज न्यू ईयर की डेट्स जरूर चेक कर लेना। ओके, क्योंकि वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ पर भी चाइनीज न्यू ईयर को फॉलो किया जाता है। तो चाइनीज न्यू ईयर ऑलमोस्ट लाइक 10-12 दिन कुछ इतना चलता है, तो वहाँ पे सब बिजनेसेस बंद होते हैं, बेसिकली उनकी छुट्टी होती है, वो नया साल होता है चाइनीज। ठीक ठीक। तो उस टाइम जाने का कोई फायदा नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो या तो आप उस चाइनीज न्यू ईयर से पहले जाओ या फिर आप चाइनीज न्यू ईयर के बाद जाओ। ये तो कौन से उसमें पड़ता है न्यू ईयर? न्यू ईयर इनका फरवरी में पड़ता है। अच्छा। डेट्स थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट नॉर्मली ये फरवरी के ड्यूरेशन में पड़ता है जो चाइनीज न्यू ईयर होता है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद दूसरा जो फैक्टर था, इनकी करेंसी हमसे काफ़ी कम है, कि अगर मैं 1 रुपए को कंपेयर करूं वियतनामीज डोंग के हिसाब से, डोंग उनकी करेंसी का नाम है। अच्छा। एंड वो कुछ 0.168 कुछ ऐसे करके आती है, तो
टेक्निकली आप वहाँ पे जाके अगर इंडिया से आप INR भी लेके जा रहे हो तो आपके पास स्पेंडिंग पावर काफी अच्छी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। अच्छा, तो ये दूसरा फैक्टर था डिसाइड करने का। एंड बस यही डिसीजन लेके हमने सोचा कि चलो वियतनाम का ही फाइनल हम लोग कर लेते हैं। एक चीज जो हमने करी इसमें दीपक जी, कि हमने किसी भी ट्रैवल एजेंट या मतलब कोई भी थर्ड पार्टी का हमने यूज नहीं किया। अच्छा। जो भी हमने प्लानिंग करी वो हमने अपने आप खुद करी है। ओके। सारी जो हमारे स्टे था हम एयरबीएनबी में रुके हैं वहाँ पर, एयरबीएनबी भी हमने खुद प्लान किया, हमने फ्लाइट टिकट्स खुद किए अपने। हाँ। हमने इनफैक्ट वीजा भी अपने आप ही किया उसका, सारा खुद ही किया, सारा खुद किया, किसी कोई ट्रेवल एजेंट या कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जाना इतना आसान है वियतनाम के लिए कि आप लोग खुद अपनी आइटनरी को प्लान करके जा सकते हो। थोड़ा सा आपको मतलब जैसे मैं आपके साथ एक ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आप YouTube पे भी वीडियो देखोगे तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आप जाके क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो उन जगह पे। सही बात है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ भाई, वेजिटेरियन लोग अवॉइड करें वियतनाम जाना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर उन लोगों को, मतलब वेजिटेरियन, देखिए हर कंट्री का अपने डाइट का होता है हिसाब। अब उनकी कंट्री में भाई वो लोग आपका पोर्क, बीफ, फिश ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मैंने जाके वहाँ पे ये चीज भी नोटिस करी कि चिकन विकन को भी वो कुछ ज्यादा मानते नहीं है। वो उनके लिए फोर्थ कैटेगरी पे आता है। तो अगर कोई वेजिटेरियन भाई है तो ऐसा नहीं है कि आप जाके बिल्कुल कुछ नहीं खा पाओगे, बट आपके लिए खाने के जो चॉइसेस है लिमिटेड, वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, लिटरली लिमिटेड हो जाएंगे। और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है हाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर, बट जिनको स्पेशली फिश ऑयल की स्मेल से बड़ी दिक्कत है, जो आपने देखा होगा कई बार हम लोग जैसे गोवा या मुंबई जाते हैं मछली वाले एरिया में, मछली बाजार जो होता है, तो लोगों को स्मेल आने लग जाती है कि नहीं भाई हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे यहाँ पे 15 मिनट भी, वो आपको कांस्टेंट मिलेगी पूरे वियतनाम में। तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना अगर आप उसको झेल सकते हो। हालांकि 2 दिन आपको ऑड लगेगा, 3रे दिन आप आ जाओगे लैब में कि हाँ यार अब ये है यहाँ पर क्या करें। तुम्हें तो बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइव करने में यार। हाँ मतलब मेरे को टिपिकली देखिए उस टाइम तक मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई, बट मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और जिनको स्पेशली ये फिश ऑयल वाली जो खुशबू है बिल्कुल नहीं जाती, तो उनका पूरे ट्रिप में ही मुंह बना हुआ था एक स्पेसिफिक वाला। तो वो आप ध्यान रखना उस चीज का। सही बात है। फिर अगर मैं आपको प्रोसेस की बात बताऊँ तो आप वीजा अप्लाई करना इसका बहुत ईजी है। इनकी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो डायरेक्टली वियतनाम गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा। और उन पे आपको सैंपल फॉर्मेट, आप यूट्यूब पे भी किसी वीडियो को अगर देखोगे उसमें भी वो आपको बता देंगे। ऐसा वैसे कुछ है नहीं उनके वीजा फॉर्म में, वो बिल्कुल सिंपल सा है, आपका कंट्री, पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपके नाम के जो क्रेडेंशियल्स हैं, आप कहाँ पर, पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है आपकी। पोर्ट ऑफ एंट्री का मतलब आपका ये हो गया कि मान लीजिए आप अगर दिल्ली से या मुंबई से या इंडिया से आप हनोई जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट आपकी वहाँ से हनोई की है, तो आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री हनोई रहेगी। अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री आपकी हो चि मिन्ह सिटी की है तो आप पोर्ट ऑफ एंट्री अपनी हो चि मिन्ह सिटी ही डालिएगा वहाँ पर। ये मत कीजिएगा कि आपने पोर्ट ऑफ एंट्री तो कर दिया हनोई और आप फ्लाइट लेके चले गए दिल्ली से हो चि मिन्ह सिटी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज का आप ध्यान रखना बहुत, मतलब जहाँ का पोर्ट होगा वहीं की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, वहीं की आपको फ्लाइट लेनी है और वीजा में डिटेल्स भी आपको वही डालने हैं। और हाँ आप फ्लाइट टिकट्स अपनी वीजा के बाद बुक कीजिएगा, क्योंकि अच्छा। कई बार होता है कुछ रीजंस होते हैं छोटे माइनर, कई बार वीजा रिजेक्ट भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बट आप उसके लिए रीअप्लाई कर सकते हो वो विद इन मतलब 7 डेज या 3 डेज का उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड रखा है, उसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। एंड वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, रिजेक्शंस बहुत रेयरली होते हैं, इंडियंस को बड़े अच्छे से वीजा मिल जाता है। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जो आपको शायद कुछ लोगों को ध्यान रखना पड़े, जिन लोगों के पासपोर्ट पे नाम सिंगल है सिर्फ, मतलब सिंगल एज इन द सेंस सरनेम नहीं है, सरनेम नहीं है आपका कुछ भी, तो उन लोगों को काफी डाउट्स रहते हैं कि भाई हम फ्लाइट टिकट में क्या नाम डालें, हम वीजा में क्या नाम डालें। ठीक है। तो हमारे साथ भी एक हमारे फैमिली मेंबर थे जिनका सिंगल नाम आ रहा था पासपोर्ट पे और हमें काफी दिक्कत हुई इस चीज की कि भाई क्या करें, क्योंकि काफी सारी YouTube की वीडियोस देखी उसमें लोग कह रहे थे वीजा रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ऐसे डरा रहे थे, मतलब वो जो फॉर्मेट बता रहे थे दिमाग में आ रहा था ये फॉर्मेट से डालें, कोई बता रहा है इस फॉर्मेट से डालो। तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया, हमने क्या किया कि हमने टिकट जो अपनी करी थी वो इंडिगो एयरलाइन से प्लान करी थी, तो हमें लगा कि क्योंकि इनकी फ्लाइटें ऑलरेडी वियतनाम जाती हैं तो आपका बोर्डिंग से पहले ये लोग भी आपका वीजा चेक करते हैं,
और वीजा में अगर आपकी कोई भी मिसमैच होती है आपके फ्लाइट टिकट के नाम में या वीजा में, तो ये लोग आपको बोर्डिंग ही डिनाई कर देते हैं। तो इन लोगों को ज्यादा आइडिया रहता है। तो मैंने इंडिगो के कस्टमर केयर पे फोन करके पूछा कि भाई मेरे साथ एक पैसेंजर है जो कि वियतनाम ट्रेवल करेंगे इस डेट को, हमें वीजा अप्लाई करना है, तो उनका सिंगल नाम है, हम क्या नाम वीजा में डालें और क्या नाम हम इसमें फ्लाइट के टिकट में डालें कि हमें बोर्डिंग डिनाई ना हो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें भी दो पार्ट आ गए थे। अगर आप वियतनाम एयरलाइन से टिकट बुक करते हो तो वियतनाम एयरलाइंस का फॉर्मेट है जो हमने उनसे ईमेल करवा के कंफर्म कर लिया था। मान लीजिए आपका नाम, अगर मेरा नाम वैभव है और मेरा सिर्फ वैभव ही नाम आता है, कोई सरनेम नहीं आता मेरा, तो मैं उसको फर्स्ट नेम में डालूंगा मिस्टर और अपने लास्ट नेम में डालूंगा वैभव। ओके, ये फॉर्मेट वियतनाम एयरलाइंस यूज करती है। मतलब जहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालते हैं वहाँ मिस्टर डालना है जी, और जो सरनेम डालते हैं हम लोग लास्ट जिसे बोलते हैं, हाँ। वहाँ पे आप, मतलब तीन नेम होते हैं, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, ये होता है। तो फर्स्ट में आपने मिस्टर डालना है, लास्ट में आपने अपना नाम डालना है, मेन नाम। अगर सरनेम नहीं है आपके पास आपके पासपोर्ट में तो करेक्ट। ओके, सही। एंड फिर यही चीज जब हमने इंडिगो से पता करी तो इंडिगो का फॉर्मेट क्या कहता है, इंडिगो कहता है आप अपने नाम को ही दोनों बार डाल दीजिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट में भी लास्ट में फर्स्ट में भी लास्ट में भी, तो मेरा टिकट बनेगा वैभव वैभव करके। ओके, इंडिगो से। और इंडिगो ने ही ये चीज हमें सजेस्ट करी कि आप एक काम कीजिए, आप जो वीजा भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी आप उन पैसेंजर का नाम दोनों जगह सेम डाल दीजिए। मैं तो मैंने उनसे रीअश्योरिटी ली, मैंने कहा भाई आप लोग कंफर्म्ड हैं इस चीज पर? उन्होंने कहा सर 100% कंफर्म्ड है, आपको बोर्डिंग डिनाई नहीं होगी, आपका वीजा भी आएगा इसी प्रोसेस में। हमने इसी प्रोसेस के थ्रू वीजा अप्लाई किया और हमारा वीजा आ गया, कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। और जो वो पहले बोल रहे थे मिस्टर डाल के और लास्ट वाला, वो अगर आप वियतनाम एयरलाइन से टिकट बुक कर रहे हो तो आपको वो फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। बिकॉज बेसिकली क्या होगा, आपके वीजा का फॉर्मेट और आपके फ्लाइट टिकट का नाम दोनों मैच होना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच होगा, मान लीजिए आपके फ्लाइट टिकट में तो डला हुआ है मिस्टर वैभव और वहाँ पे आपने वैभव और वहाँ पे आपने वैभव वैभव किया हुआ है, तो आपको बोर्डिंग नहीं करने देगी फ्लाइट, चाहे आप कोई भी फ्लाइट ले रहे हो। तो इसलिए आप क्रॉस चेक करके नाम सेम रखिएगा अपने वीजा में और फ्लाइट टिकट में। ओके, फिर आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वीजा आपका आप डाल के अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप ऑन कर लीजिए। कुछ 2100-2200 रुपए पर पर्सन का फीस लगती है और आप जितने दिन वहाँ रहना चाहते हो आप वो डेट का प्रोसेस टाइमलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। आप कितना भी सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मेरे का तो 10 दिन का टाइम मैंने सेलेक्ट किया था, बट वो बाय डिफॉल्ट आपको 18 दिन का वीजा लगा के देंगे। अच्छा, तो जब आपका आएगा वीजा उसमें डेट आपकी एग्जिट तक की 18 दिन की आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, जब आप वीजा अप्लाई कर देते हो उसके मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास ईमेल पे आपका वीजा आ जाएगा। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया वीजा का तो आपको जो ईमेल पे नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर अप्लाई करते हुए, आप उस नंबर को इनकी वेबसाइट पे जाके बेसिक डिटेल्स डाल के आप चेक कर सकते हो। मेरा वीजा मेल पे नहीं आया था, बट मैंने जब साइट पे जाके चेक किया तो उस पे वो आ चुका था, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, बाकी सारे जो मेरे, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि मेल पे नहीं आया तो आने का, साइट पे चले जाओ वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वहां पे आप चेक करते रहोगे तो आपको दिख जाएगा कि वीजा अप्रूव्ड, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ में। अच्छा, आगे बढ़ने से एक बात बताओ, हाँ। जैसे आपने खुद ही किया, हाँ। सारा प्रोसेस, हाँ। जो भी है, वीजा अप्लाई करना, टिकट बुक करना, होटल वगैरह बुक करना या क्रूज बुक करना या जो भी, हाँ। बुक किया आपने, उस आपकी बुकिंग करने में और जो ट्रेवल एजेंट बुकिंग करने में कितना पैसा बचा लिया होगा? देखो, पैसा बचाने का तो मेरे को श्योरिटी नहीं है कि मैंने, ट्रेवल एजेंट कमीशन तो लेते होंगे ना अपना, कमीशन लेते हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपए का आराम से बचा सकते हो। मेन आइडिया अपने आप सारी चीज़ों को बुक करने का ये था कि भाई, क्योंकि हम अपनी आइटनरी को फॉलो करना चाहते थे। आप किसी ट्रैवल ग्रुप के साथ या कोई टूर पैकेज लेके जाओगे तो वो आपको पैकेज के हिसाब से ही घुमाएंगे। भाई इतने बजे होटल, फ्रीली घूमना चाहते थे? हाँ जी, हम फ्रीली घूमना चाहते थे, खुद एक्सप्लोर करना चाहते थे। ओके, तो ट्रैवल एजेंट के साथ क्या कि आप उनके थ्रू अगर बुकिंग कराओगे उनके फॉर्मेट से, तो वो आपको 8 बजे जी आपको होटल से निकलना है, 10 बजे ब्रेकफास्ट करवाएंगे, वो एक वो हो जाता है जैसे हम किसी हॉस्टल में रह रहे हो, टाइम टेबल टाइप हो जाता है। और भाई एक्सप्लोर से याद आया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ, ठीक है। तो
फिर उसके बाद जब आपका वीजा आ जाता है फिर आप अपने फ्लाइट टिकट्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट्स के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, हम बाद में फंस गए थे इसके ऊपर। अच्छा, आप स्काई स्कैनर नाम का एक ऐप है, आप उसको यूज करो। आपको आप अपनी डेस्टिनेशन नॉर्मल आप फॉर्मेट्स अपना डालिए, उसमें बेसिकली वो क्या है आपको सारी वो बता देगा कि आपकी कौन कौन सी फ्लाइट्स कहाँ कहाँ पर किस प्राइसेस पे मिल रही है अलग अलग वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो आपको कंपैरेटिव मिल जाएगा एक ही जगह, तो जो आपको सबसे चीप ऑप्शन मिलेगा वो भी वो दिखा देगा सबसे टॉप पे। तो हमें इंडिगो की वेबसाइट पे वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इंडिगो सबसे कम प्राइस दे रही है फ्लाइट का, तो हमने कहा भाई चलो ठीक है अपनी इंडियन एयरलाइन है तो इसी से ही बुक कर लेते हैं। बट वो फ्लाइट कैसे थी, वो फ्लाइट थी आपकी दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता पे आपकी फ्लाइट चेंज होगी जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लेओवर पार्ट है, बेसिकली आपका एयरक्राफ्ट ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो फ्लाइट आपकी वहाँ से कोलकाता से हनोई जाएगी, हम लोगों के पोर्ट ऑफ एंट्री हनोई थी। जो जो 1.5 घंटे का ओवरले है इसमें आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं या नहीं? नहीं, इसमें आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा जाने का। अच्छा, और यही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने ये वाया वाया वाली फ्लाइट ले ली थी। अब क्या हुआ कि फ्लाइट यहीं से ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट लेट हो गई। ठीक है, अब भाई हमने तो हमारे दिमाग में ये डर बैठ गया भाई फ्लाइट यहीं से ही 50 मिनट लेट है, आगे वाली फ्लाइट हमारा वेट करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि आपको जो इमिग्रेशन क्लियर करना है वो आपको कोलकाता से क्लियर करना है, आपको दिल्ली से नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आप डोमेस्टिक जा रहे हो। ओके, आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, कोलकाता से आप इंटरनेशनल रूट पे ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस भी कोलकाता में होगा। अब भाई हमारे दिमाग में तो 10,000 क्वेश्चंस आ गए कि भाई 50 मिनट तो यहीं लेट है फ्लाइट, 2 घंटा 20 मिनट की कुछ फ्लाइट कोलकाता की, भाई पीछे वाली फ्लाइट तो हमारी छूट जाएगी। भाई हमें उतर के हमें वीजा अपना इमिग्रेशन क्लियर करना है, फिर जाके दोबारा से नए एयरक्राफ्ट को बोर्ड करना है कि कैसे होगा। तो हमने एयरपोर्ट पे इंडिगो वालों से ये पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ से आपका बैगेज तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको बस वहाँ से उतर के फटाफट इमिग्रेशन क्लियर करके नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसमें इंडिगो ने ऑल दो काफ़ी हमें सपोर्ट किया, हमारी फ्लाइट से जो दिल्ली से गए थे हनोई की फ्लाइट के लिए ऑलमोस्ट 10-11 लोग थे, तो उन्होंने वो एयरक्राफ्ट से जब उतर रहे होते कोलकाता में तभी उन्होंने पूछ लिया कि भाई हनोई जाने वाले कौन कौन पैसेंजर्स हैं, अच्छा आप लोग हमारे साथ आ जाइए। सही, अब दिक्कत होना वहीं से स्टार्ट हुई क्योंकि फ्लाइट ऑलरेडी 50 मिनट लेट थी, तो अब उन्हें सारे काम भाग भाग के कराने। तो इंडिगो वाले स्टाफ ने मुझे बताया कि हनोई वाली फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी हुई है, वो आप ही लोगों का वेट कर रही है कि आप 10 लोग आएंगे तो फ्लाइट उड़ेगी, अब वो उन्हें रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई हमने तो टिकट हनोई तक का किया ना, फ्लाइट इंडिगो की 50 मिनट लेट है तो इसमें पैसेंजर की क्या गलती सही है? बात है, आप या तो फ्लाइट रोको या मुझे नेक्स्ट फ्लाइट में जगह दो। तो उन्होंने वो फ्लाइट रोक के रखी थी भाई, उन्होंने दौड़ा दिया दीपक जी पूरे टर्मिनल में, हमें 1 मिनट आपको सांस लेने का नहीं, हमारे साथ छोटा बच्चा भी था और भाई चीजें होती है, आप बच्चे को लेके इतनी तेज तेज नहीं भाग सकते एयरपोर्ट पे, और उन्होंने मतलब ऐसा भगाया हमें कि आदमी ने बोला कि भाई मेरे को प्यास लग रही थी, मैंने कहा भाई मैं एक बार बोतल भर लूँ अपने पानी की, उन्होंने वो भी नहीं भरने दी, नहीं 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 सर आप फ्लाइट में पी लीजिएगा फ्लाइट में पी लीजिएगा, भगा भगा के उन्होंने इमिग्रेशन क्लियर कराया। इमिग्रेशन भी क्या ही था वो, मतलब गए उन्होंने बस देखा, उन्होंने कहा अच्छा हनोई जा रहे हो कितने दिन के लिए, कहा सर 10 दिन के लिए, अच्छा ठीक है, स्टैंप मार के उन्होंने आगे कर दिया हमको। okay, चलो वहाँ भी प्रोसेस, टाइम तो बच गया, टाइम बच गया हमारा। और हम भागे भागे गए, एयरक्राफ्ट पूरा पैक्ड खड़ा हुआ था, और तुम्हारी वेट कर रहा था, हमारी वेट सर आइए प्लीज आइए, और सारे लोग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे ना, क्योंकि भाई इनकी वजह से लेट हुई थी फ्लाइट। अब भाई मैं तो वेट कर रहा था कि कोई एक बंदा मुझे बोल दे कि सर टाइम से आ जाते हैं, मैं कहता भाई मैं टाइम से ही आया हुआ था, पीछे से जो इनकमिंग फ्लाइट है वो लेट है, मैं तो बड़ा बैठा था, बोल तो दे कोई, बोल तो दे, बट किसी ने बोला नहीं, हम फटाफट अपना सेटल डाउन हुए और विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर फ्लाइट अपना टेक ऑफ के लिए आ गई। ओके, फिर पूरी रात वो फ्लाइट उड़ती है और आपका क्योंकि वियतनाम जो है वो आपसे 1.5 घंटा आगे है, अच्छा। तो वो फ्लाइट का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, बेसिकली जब आप लैंड होगे इंडिया के टाइम से वहां पर आपका 1.5 घंटा ज्यादा होगा उस टाइम पे, मान लीजिए आपके इंडिया में 3 बज रहे हैं तो वहाँ 4:30 बज रहे होंगे सुबह के। तो वहाँ पे जब हम लोग उतरे हनोई में, तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है उनका, हमारी एक फ्लाइट उतरी हुई दिख रही थी वहाँ पे, बाकी अच्छा। पूरा एयरपोर्ट डेजर्टेड था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई
इस एयरपोर्ट पे क्या हम ही लोग उतरे हैं या और कोई ट्रैवल ही नहीं करता है वियतनाम? तुमको पता चला कहीं वो बीच में एक बार हुआ नहीं था, पूरा प्लेन जा रहा था, गायब हो गया था। हाँ। बोला ये कहाँ लैंड हो गया, लैंड कर गए। मतलब थोड़े टाइम तो हम लोग इधर उधर देख रहे थे, भाई कोई तो बंदा दिखे, बस सब लोग जो पैसेंजर्स उतरे वो सीधे गलियारे में चलते जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। और इनफैक्ट जब हमने वहां जाके देखा तो इमिग्रेशन वाले बंदे भी, उनके चार काउंटर ही उन्होंने खोले बस, और वो बंदे भी आके बैठे कि अच्छा जी फ्लाइट आई है तो इनका इमिग्रेशन क्लियर करवा देते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, आप लाइन में लगिए, वो आपका। सबसे बढ़िया मजा मेरे को ये आया दीपक जी, मैं अपनी वाइफ के साथ था, मेरी बेटी थी, और हमने तीनों के पासपोर्ट्स लेके हमने अंदर ही फोल्ड करके वीजा डाल दिए थे, हमने उनकी तरफ आगे किए। उनके इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीजा खोल के भी नहीं देखा। ओके। उन्होंने वो फोल्डेड कागज निकाल के तीनों यूं हमारे पास वापस दे दिए, सिर्फ पासपोर्ट उठाया, उसे एक अपनी मशीन में स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कुछ उस पर डेट डाली, स्टैंप मारा और उन्होंने आगे कर दिया। वो ये है ना, क्योंकि ये लास्ट डेस्टिनेशन है। हाँ। है ना, पहले चेक होके आए ऑलरेडी यार। करेक्ट। तो अगर गलत होता तो पहले ही रुक जाते। करेक्ट। यहाँ तक पहुंचते ही नहीं आप, है ना। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है चलो यार। और फिर फैमिली दिख जाती है साथ में, तो कोई स्पाई तो लगते नहीं, तो स्पाई हो गए लगते नहीं। बट मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा, मैंने कहा यार एक का तो वीजा खोल के चेक कर ले, सही बात है, होना चाहिए वैसे ऐसे। मैं तो चलो कोई बंदा पेपर ही दे दे, चाहे प्लेन पेपर हो, कहीं खोलना तो है नहीं इन्होंने। ये तो चलिए मजाक की बात है, सही बात है। तो हम लोग इमिग्रेशन से आगे निकले, बैगेज ट्रॉली से हमने अपना बैगेज उठाया। एयरपोर्ट ऑलमोस्ट बंद पड़ा था ना, कुछ दुकान खुली हुई थी, सब कुछ बंद था, क्लोज डाउन था। वो मेरे ख्याल से हनोई में लास्ट फ्लाइट थी उस ना, बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं। हम बच इस चीज में गए कि वो जो हमें एक सिम कार्ड लेना था वहां जाके, क्योंकि हमें अपनी फ्लाइट ये टैक्सी वगैरह बुक करनी थी, होटल एयरबीएनबी को कॉल करना था। वो बस वो भी दुकान वो बंद ही करने वाले थे कि बस हम भाग के पहुंच गए। उन्होंने कहा सुबह थे, रात को थे ये सब, ये सुबह 4:30 बजे हम लोग वहां, 4:30 बजे बंद कर रहे थे, बंद कर रहे थे वो लोग। अच्छा। मे भी वहाँ पे और रात को इंटरनेशनल फ्लाइट कोई नहीं आने वाली थी, तो वो लोग बंद कर रहे थे कि अब ये सुबह 9 बजे खोलेंगे इसको, दुकान को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस लेडी ने, मतलब उसने कहा चलो ठीक है आप लोग आ गए हो तो मैं आपको सिम कार्ड दे देती हूँ। 2-3 कंपनी है वहाँ पर, मोबीफोन है और एक आध कंपनी और है। तो यहाँ के फोन की रोमिंग वगैरह नहीं चलती वहाँ, इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह चल जाएगी आपकी? मेरा तो फोन चल रहा था, बट अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अगर पोस्टपेड वगैरह कुछ है तो वो इंटरनेशनल चार्जेस आपके लग जाएंगे, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। सिम बहुत सस्ता मिल जाता है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 300-400 रुपए में आपको मिल जाता है। मैंने 10 दिन का प्लान लिया जिसमें मेरे को हर दिन मेरे ख्याल से कुछ आपका 10 GB डेटा दे रहे थे वो लोग, डेली का 10 GB। 4G भी चलता है वहाँ पे, 5G भी चलता है, मोस्टली मैंने 4G यूज किया। बढ़िया यार। और ये 10G जो 10 डेज का लिया तुमने, ये कितने का पड़ा? ये मेरे को कुछ, अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कुछ 500 रुपए के आसपास का मेरे को ये सिम कार्ड पड़ा टोटल। तो जैसे यूएस डॉलर अभी देखा जाए तो 83 रुपए के आसपास है, 83-84 के। तो वहाँ की क्या है हिसाब किताब करेंसी का, थोड़ा सा डोंग जो आपने बोली थी? डोंग बेसिकली डोंग मतलब सारी करेंसीज में बहुत ही ज्यादा है, कम है हमारी करेंसी से, हमारा 1 रुपया उनका। अगर मैं आज के रेट पे बात करूं तो आपका बैठेगा INR टू डोंग 299 रुपए, 300 रुपए भाई साहब, 299.45। आपका 1 रुपया उनके 300 डोंग के बराबर। हाँ वही, 1 रुपया मतलब हम 300 गुना ज्यादा। हाँ हम उनसे ज्यादा हैं, तो बेसिकली आपको मजा आएगा वहाँ पर। कम पैसों में भी जा सकते हो, मजा ले सकते हो। बस ये मान लो आपका फ्लाइट का टिकट विकट का मान लो यहाँ से जो लगेगा, वहाँ जाके तो आप बिंदास। फ्लाइट में मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, एक और इनकी एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, VHJet एयर करके जाती है, यहीं से दिल्ली से, दिल्ली से जाती है आपकी, उसके आपको प्राइसेस और भी सस्ते मिलेंगे। अच्छा, कितने की थी फ्लाइट वैसे? मेरे को इंडिगो की पड़ी अराउंड पर पर्सन 28,000 या 30,000 रुपए की रिटर्न मेरे को पड़ी, मतलब रिटर्न के साथ में, रिटर्न के साथ में मतलब 14,000 रुपए सिंगल ट्रिप। सिंगल ट्रिप और मोटा मोटा मैं 30,000 पकड़ लेता हूँ यार। एग्जैक्टली 30,000 आप पकड़ सकते हो, अगर टाइमली आप टिकट बुक कर लोगे तो शायद आपको और सस्ता मिल जाएगा। VHJet एयर में आपको यही मान लो यही टिकट आपको अराउंड 20-21,000 रुपए की मिल जाएगी रिटर्न टिकट, आना जाना दोनों। उसमें कैच है क्या? वो आपका ओवरऑल बैगेज जो लिमिट है आपकी पर पर्सन वो 7 किलो, चाहे आप हैंड बैग ले लो, चाहे आप मेन बैग ले लो, कुछ ले लो, आपका सारा बैगेज मिलेगा। और ज्यादा ले जाना हो तो पैसे पे कीजिए, अलग से पैसे पे कीजिए। आपका अगर लगेज ज्यादा भी है तो आपको फ्लाइट टिकट पे, हमने उसको भी एक्सप्लोर किया था VHJet की वेबसाइट को भी,
तो उसमें वो आपको ऑप्शन दे देगा कि 20 किलो का आप इतना पैकेज और खरीद सकते हो। अच्छा, तो इवेंचुअली जब आप वो टिकटिंग में कैलकुलेट करोगे तो वो वही उसी प्राइस में उतना ही बहुत जाने वाला है वो, सही बराबर। और इंडिगो हमें दे रही थी पर पैसेंजर 30 kgs आपका चेक इन लगेज और 7 kgs आपका हैंड लगेज में दे रही थी। तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट था क्योंकि हम लोग 5 लोग थे। ठीक ठीक, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, सोलो ट्रैवलर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जो एक बैकपैक लेके चलने वाले लोग होते हैं। वो वीएचजेट एयर से आपको काफी सस्ता टिकट मिल जाएगा उसमें। और जो एयरबीएनबी के वहाँ पे रूम्स वगैरह थे वो क्या रेट में थे, बुकिंग वगैरह? बहुत ही सस्ते हैं। आप ये मान के चलो कि मैंने ऑलमोस्ट एक 5-star रेटेड एयरबीएनबी वहाँ पे बुक किया था। मैं हनोई भी गया था, हनोई से हो ची मिन्ह सिटी भी गया था, तो वो मेरे को पर डे 2700-2800 रुपए के हिसाब से मेरे को मिल गया था पूरा एक अपार्टमेंट। और वो भी आपका 28वें फ्लोर पे, उनकी कोई प्रीमियम प्रॉपर्टी थी जो हमने व्यू के हिसाब से सेलेक्ट करी थी। अच्छा, तो वो हमें मिल गई थी। उनके जो होस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारा डिटेल हमें भेज दिया था जैसे ही हमने उनको मैसेज किया था कि वी आर ऑन दी वे फ्रॉम दी एयरपोर्ट टू एयरबीएनबी। वहाँ पे कोड सिस्टम चलता है, वो आपको कोड भेज देगा मैसेज पे, आप गेट पे वो कोड डाल दीजिए और आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेसिक सामान आपको घर के अंदर मिलेगा, टीवी है, इंटरनेट है, आपके बेड्स वेड सब क्लीन। कितने रूम का था वो? हमारा था 2 BHK था वो। अच्छा, तो आप पूरी फैमिली उसी में आ गए? पूरी फैमिली उसी में आ गई। नॉट बैड यार। किचन है आपके पास, किचन में बेसिक यूटेंसिल्स आपको दिए हुए, तो हमने अपना खाना वाना भी वहाँ पर जब जरूरत पड़ी थी बेसिक ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमने खुद ही बना लिया था। ब्रेड ले आए थे, अंडे ले आए थे, फ्रूट्स ले आए थे, आप वहीं पे बना लो अपना ब्रेकफास्ट बनाना। सही। तो इसमें आपका ब्रेकफास्ट का पैसा टेक्निकली बाहर खाने से अच्छा आप बिल्कुल करके चलो। तो हमने अपना सिम कार्ड ले लिया वहाँ से, सिम कार्ड लेके आप बाहर आओगे तो वहाँ पर एक ऐप चलता है ग्रैब। ओके। तो वो उनका यूनिवर्सल ऐप है, उस पर खाना भी ऑर्डर होता है, उसी पर ही आपकी टैक्सी भी आती है। हैं एक दो और भी ऐप्स बट वो लोग ग्रैब ज्यादा यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है। फॉरनर्स के लिए ग्रैब अच्छा रहता है, मतलब सब कुछ उसी से हो जाता है बेसिकली। वो आप उनका मान लो वो उनका ऊबर प्लस स्विगी है। अच्छा ओके। तो आपको खाना भी मिलता है उस पे, गाड़ी टैक्सी भी मिल जाती है। आप रात को पता नहीं क्यों कोई हमें कैब वहाँ पे मिल नहीं रही थी, मे बी ऑड टाइम था, तो हमें वहीं पे जो बाहर वो लोग खड़े रहते हैं कि आपको कैब चाहिए कैब चाहिए, उनसे हमने बात करी एक बंदे से, उसको हमने एड्रेस दिखाया कि हमें यहाँ जाना है, तो उसने हमसे कुछ अमाउंट मांगा। हमने वही चीज ग्रैब पे देखी कि वहाँ पे कितना हमें पैसा पड़ रहा है, तो जितना वो पैसा हमें बोल रहा था उससे ऑलमोस्ट 30% कम हमें ग्रैब पे दिखा रहा था जो प्राइस था। बट वो नॉर्मल है, वो तो यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी होता है, तो आप थोड़ा बहुत उनसे नेगोशिएट कर सकते हो। तो उसने हमें एक ठीक प्राइस बताया, हमने कैलकुलेट किया INR में, तो हमें ठीक लगा कि चलो। और उसके पास वो थी टोयोटा फॉर्च्यूनर थी वो गाड़ी, सारे आ गए, सारे ही आ गए, हमारा सामान भी आ गया, जो पांचों बड़े बैग्स थे वो भी आ गए। हम लोग अपना एयरबीएनबी पहुंचे, एयरबीएनबी जाके उन्होंने कोड बता दिया, हमने अपने वहां पर एंट्री कर ली। वैसे भी जब फैमिली के साथ होते तो ज्यादा सोचा नहीं जाता। हाँ, ना बहस करी जाती ज्यादा ना सोचा जाता। एक तो सुबह का टाइम हो रहा था तो हमने पूरी रात ट्रैवल करके थके हुए, यार पहुंचो यार जाके सोए थोड़ा, और एक्साइटमेंट भी थी कि भाई सुबह उठ के क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्लाइट का कंफर्ट कैसा रहा तुम्हारा, कितने घंटे की फ्लाइट थी? फ्लाइट आपका कोलकाता तक 2 घंटा 20 मिनट की कुछ है, और इतना ही टाइम आपका मान लीजिए अराउंड 2.5 घंटे के आसपास आपका कोलकाता से आगे हनोई तक है। अच्छा, 2.5 घंटे ओवरऑल आप मान के चलिए 5-5.5 घंटे का फ्लाइट। कंफर्टेबल थी, ठीक ठाक था सभी? बस मतलब बैठे रहे 4 घंटे, बस बैठे ही रहे, बैठे ही रहे। इंडिगो मतलब जो एयरक्राफ्ट आपका और जो एयरक्राफ्ट दिल्ली से हनोई गया था ना, वो तो फिर भी थोड़ा लेगरूम उसमें अच्छा था, थोड़ा बड़ा A321 था उनका। अच्छा। वो कोलकाता से हनोई वाला भाई, वो तो ऐसा लग रहा था कि बस भर दिए हैं लोग अंदर, बैठे रहो ऐसे, हिलना मत, हिल मत जाना तुम गलती से। खाना वाना वो वैसे ही नहीं देते, अब तो पानी भी मांगने पे देते हैं, खुद भी नहीं देते हैं कि पानी चाहिए। तो नॉट अ वेरी कम्फर्टेबल फ्लाइट, बट ठीक है यार, 2.5 घंटा काट लिए। अगर इंडिगो से कोई देख रहा है तो भाई थोड़ा सुधार लो, ठीक है? देखो फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो सुधार लो थोड़ा सा भाई, कम्फर्ट देना चाहिए। बजट कैरियर है इंडिगो, तो उनसे और इतने पैसे में एक्सपेक्ट और कुछ कर भी नहीं सकते। फिर भी यार कम में ज्यादा दो अच्छा लगेगा ना। देखिए उसके लिए अगर हाँ, अगर आप लोग कम्फर्ट देख रहे हैं, आपको एक वन नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए, तो वियतनाम एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है आपकी हनोई और हो ची मिन्ह सिटी दिल्ली से। बड़ा एयरक्राफ्ट जाता है वो, आपको उसमें डिनर अल्कोहल वगैरह सब सर्व किया जाएगा। चे, 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 चे। तो अगर किसी के पास है 6 घंटे की होगी मेरे ख्याल से, 6 हाँ वो भी 5-5.5 घंटे का टाइम लेती है, बट इसमें उसका प्राइस भी ज्यादा था। वो ऑलमोस्ट मेरे को पर हेड
ये मान के चलिए अराउंड 55,000 पड़ रहा था रिटर्न, जो कि मेरा इंडिगो में काम 30,000 में हो रहा था। तो मैंने टेक्निकली एक बजट एयरलाइन लेके मैंने अपने 15,000 कितने का पड़ रहा था, सॉरी रिटर्न 50,000 का, 55,000 के आसपास पड़ रहा था 1% का। तो मैंने पर पर्सन 15,000 सेव किया, बट हाँ फिर मेरे को हैसल भी लेनी पड़ी, हैसल भी लेनी पड़ी, जो भागे हैं वहां पर एयरपोर्ट पे, तभी देखो कितना पतला हो गया। ऐसा नहीं होता था, ये वो ठीक ठाक होता था मेरी तरह, बट अभी ऐसा हो गया। क्या जी, फिर आपका हनोई का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हनोई बेसिकली उनके नॉर्थ में आता है और हो ची मिन्ह सिटी उनमें साउथ में आता है। अच्छा। और अगर इंडिया के हिसाब से कंपेयर करूँ मतलब अपोजिट है दोनों, ऑपोजिट है बिल्कुल। तो हनोई आप कह सकते हो उनका नई दिल्ली गुड़गांव है। ओके। वेदर भी वैसा ही है। और आपका जो हो ची मिन्ह सिटी है वो आप मान के चलिए उनका केरला है। गर्मी है, कुछ वहां पर मतलब ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि जाके आप बिल्कुल बोलोगे जी कहां ही आ गए हम तो। अच्छा। ऐसा भी नहीं है, बट आपको वेदर में वेरिएशन मिलेगा दोनों में, नॉर्थ में साउथ में बहुत ज्यादा। हनोई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम था जितना गुड़गांव में उस टाइम चल रहा था, कोहरा हो रहा था सुबह सुबह, टेम्परेचर 16 कश्मीर और केरल मान लो मैं। हाँ, कश्मीर भी नहीं, आप उसको नॉर्थ और साउथ ही मान के चलो, मतलब दिल्ली और दिल्ली वो वाला हिसाब है। और मौसम पूरे दिन थोड़ा क्लाउडी, बारिश हल्की हल्की होने लग रही थी, ठंडा वेदर आपको मिला, एसी वैसी की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी हनोई। अच्छा। में कंफर्टेबल आप आराम से घूम सकते हो। इनफैक्ट हमें एक आध दिन जिस दिन बारिश वारिश हो गई थी ठंडा भी हो गया। अच्छा, सूरज यही वाले होते हैं, सूरज यही वाले होते हैं। तो अरे इंसान ही हमारे जैसे ही होते हैं, अलग होते हैं नहीं, अलग हैं उनके, कॉपी पेस्ट वाले तो नहीं है, कॉपी पेस्ट वाले नहीं है मतलब। एक तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि आप अलग से ही चमकोगे उनके बीच, फॉरेनर्स बहुत हैं वहाँ पर। अच्छा। मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बहुत ज्यादा फॉरेनर्स हैं। आपको वियतनाम में उतरते ही आपको फील आ जाएगा कि जी आप आ गए हो किसी ऐसी जगह जहाँ फॉरेनर्स का पूरा जत्था का जत्था है। तो अपने भारत से भी कोई मिला वहाँ पे? बहुत कम लोग दिखे मेरे को। अच्छा। और उसका रीजन मैं आपको मोस्टली एक बता देता हूँ, जो हम अपनी तरफ से सोच के गए या बाद में हमने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि हमें ज्यादा इंडियंस नहीं दिखे। दिखे बट मेरे ख्याल से हनोई में एक दो बार दिखी, एक दो फैमिलीज, और हो ची मिन्ह सिटी में एक फैमिली दिखी थी बस हमें, बाकी हमें कोई ऐसा इंडियन वहाँ पे नहीं मिले। और मेरे ख्याल से रीज़न उसका ये था क्योंकि एक तो मार्च शायद एग्जाम का टाइम होता है बच्चों का, इसलिए लोग ट्रैवल नहीं करते। और दूसरा वियतनाम आपको बता दिया था वेजिटेरियन लोगों के लिए बना नहीं है, बना नहीं है। ज़्यादा खाते हैं। तीसरा करेंसी आप मेरे ख्याल से नॉर्मल लोग तो जो प्लान करते हैं वो लोग तो नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से इसलिए वो लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। यंग लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो खा लेते हैं नॉनवेज वगैरह। हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ भाई, वहाँ पे किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती। आपको इक्का दुक्का कोई ऐसा बंदा दिखेगा जो टूटी फूटी आपकी इंग्लिश थोड़ी जो आप बोल रहे हो वो समझ लोगे। आपका मतलब मान लो मैं पूरे 10 दिन निकाल के आया हूँ, पूरे 10 दिन मैंने निकाल दिए गूगल ट्रांसलेट पे, तो आप गूगल ट्रांसलेट अपना डाउनलोड कर लो फोन में, आप इंग्लिश में लिखो वो वियतनामीज में कन्वर्ट कर देगा, और उनको ऐसे फोन दिखाते रहो हर बार कि आप उनसे क्या पूछ रहे हो, वो अच्छे से समझ लेते। क्या बात है। और समझ के आपको जो रेस्पॉन्स उन्होंने करना है या तो वो सर हिला देंगे या फिर ओके जो आपने लिख के भेजा, तो आपको क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा कि उसका आंसर उसे ज्यादा सोचना ना पड़े, येस और नो, ऐसे वाला हिसाब आपको देना पड़ेगा उनको। बट वो लोग भी अब स्मार्ट हैं, वो लोग भी अपने उन्हें पता है कि भाई हम लोगों को उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो वो लोग भी गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख के हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। सही बात। ईमानदार लोग हैं, ये मैंने चीज़ देखी, आपके साथ एक जगह भी धोखाधड़ी नहीं होगी। अच्छा। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग सेफ नहीं हैं या हमारे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, चाहे हमने कैब्स ली हों चाहे हम मार्केट में हों, वो आपसे जितना पैसा बोलेंगे आपने जो नेगोशिएट किया उनसे, वो अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ की करेंसी समझने में आपको एक दो दिन लगेंगे, क्योंकि उनका हिसाब क्या है, उनका हिसाब चलता है 1000 और lakhs में। अच्छा। तो हम तो जैसे यहाँ 100 रुपये 200 रुपये फिर जाते हैं 1000 रुपये कि 1000 2000, उनका हिसाब चलता है कि वो आपसे प्राइस ही ऐसा बोलेंगे 60,000 dong 1 lakh dong 1,000,000 dong ऐसे भी आपसे वो बोलेंगे, तो आप घबराइएगा मत, उनके करेंसी की डिनोमिनेशन ही ऐसी है वहाँ पर। तो आप अगर मैं कंपैरिजन के हिसाब से करूँ तो उनका बेसिक 100 रुपये जो होता है वो थाउजेंड्स के हिसाब से होता है। अच्छा। और जो आपका 1000 का रेंज होती है वो उनकी लैक्स की रेंज में होती है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से होता है। बाकी 1,000,000 dong भी जब वो कहते हैं तब भी वो हजारों में ही होगी वैल्यू, बस वो 1000 ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपसे 2 lakh rupees मांग लिए उन्होंने वहां पर, ऐसा नहीं होगा।
तो घबराइएगा मत, आपको एक दो दिन लगेंगे समझने में. अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, अपना वॉलेट उनके सामने खोल दो, वो अपने आप जितना पैसा उन्होंने आपको बोला ना 60,000, क्योंकि उन्हें तो आदत है अपने करेंसी का कलर पता है, 20 का नोट कौन सा 10 का, जैसे हम समझ जाते ना 100 का 200 का, ऐसे वो लोग समझ लेते हैं. तो आप अपना वॉलेट उनके सामने खोल दो, वो इतने ईमानदार लोग हैं, वो उतना ही पैसा निकालते हैं जितना उन्होंने बोला. क्या बात है, क्लैप बनती है इस बात, इस चीज के लिए वियतनामीज लोगों को भाई हैट्स ऑफ है. बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से बात करेंगे, कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. कोई भी कुछ जगह होता है ना कि जैसे सुना है कि यूरोप में इंडियंस को देख के थोड़ा मुंह बना लेते हैं या कुछ कमेंट कर देते हैं. रेसिज्म नहीं है, रेसिज्म नहीं है, बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं मिलेगा आपको. बहुत फ्रेंडली लोग, हंसते रहते हैं, आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे, आप हेल्प मांगोगे सब करेंगे वहाँ पर. अरे कोई आपको मना नहीं करेगा किसी चीज के लिए भी. हाँ ये नहीं, आप लॉजिकल बात पूछोगे तो ये नहीं कि कुछ भी उनसे मांग लिया. बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा सिस्टम है. ट्रैफिक वहाँ पर बहुत, आप मतलब इंडिया से हो तो आपको तो अनयूजुअल लगेगा ही नहीं. अच्छा, जबरदस्त ट्रैफिक है, उनका भी कोई हिसाब नहीं, इधर उधर बाइक निकाल रहे हैं, रेड लाइट फॉलो करते हैं, बट उनका भी वही वाला हिसाब है, देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही तो निकाल लो. सही है, ऐसा वाला हिसाब है. बट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे, मैंने 3-4 लोगों को उड़ते हुए देखा है वहाँ पर, क्योंकि एक वहाँ पे सिस्टम क्या है, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले. अच्छा, हम लोग राइट हैंड ड्राइव वाले, तो आपको एक दो दिन आपकी गर्दन उल्टा घुमानी पड़ेगी जब तक आदत नहीं पड़ेगी. आदत नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ देख रहे होगे इंडिया वो बट से कर देगा, वो बट से पीछे से आके आपको सीधे उड़ा देगा, इंडिया पहुंचा देगा, इंडिया पहुंचा देगा. मैंने लिटरली 3-4 फिरंगों को वहां पर हनोई में देखा, वो बेचारी मेरे ख्याल से वो चाहे फोन में देख रही थी या कुछ, वो गलत साइड देखी, वो पीछे से आई बाइक वाली, उसने बीच में घुसा दी, उसके उड़ते हुए गिरी आगे जाके. और हमने उसको देख के फिर हम और सतर्क हो गए कि भाई पहले रुक जाओ, तसल्ली कर लो. गर्दन फिर भी दोनों साइड ही घूम रही थी, क्योंकि आदत गई नहीं ना इंडिया की अभी, तो हमें पहले यही नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ देखना है, अच्छा हाँ ठीक है इधर से देख के, फिर भी हम दोनों साइड देख के पार कर रहे थे. तो ये आपको ट्रैफिक का सीन वहाँ थोड़ा जबरदस्त मिलेगा, बहुत लगता है ट्रैफिक जैम्स भी वहाँ पर. तो आप कहीं जा रहे हो जैसे स्पेशली अपने एयरपोर्ट की फ्लाइट वगैरह के लिए, तो टाइमली निकलना यार देख के. ओके, हनोई आपको एक मतलब ट्रेडिशनल जगह दिखेगी. अच्छा, ओल्ड क्वार्टर वहाँ पे बहुत फेमस है एक जगह, आप लोगों को अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है अपनी, आप ओल्ड क्वार्टर से जाके कराना, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा डील्स मिल जाएंगी. बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठे हैं, इंडियन रुपी भी कन्वर्ट कर देते हैं वो आपका. अच्छा, कोई चैलेंज नहीं है. हम लोग USD लेके गए थे मेजॉरिटी, और थोड़ा वियतनामीज डोंग हमने यहीं से ले लिया था बेसिक खर्चे के लिए, एयरपोर्ट की कैब वगैरह, बाकी पैसा हमने अपना वहाँ ओल्ड क्वार्टर से कराया. ओल्ड क्वार्टर में आपको रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट मिलेंगे, खाओ आप वहाँ पे बैठ के, आपको बियर कहीं पे भी अवेलेबल होगी, आप चलते हुए पी सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हर जगह आपको जैसे टॉफी मिलती है ना दुकानों पे, वैसे वहाँ पे बियर मिलती है. अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं. हाँ, कोल्ड ड्रिंक है उनकी. बिया हनोई, बिया साइगोन, ये सब उनके ब्रांड है, बहुत सस्ती सस्ती आती हैं, तो बियर लवर्स के लिए जन्नत जगह है. सिगरेट बहुत पीते हैं वो लोग, बहुत टबैको यूज़ करते हैं, तो ऑल्दो नॉट प्रमोटिंग इट, गलत चीज़ है, मत कीजिएगा. तो वार्निंग डाल देंगे नीचे, वार्निंग डाल दीजिएगा एक नीचे. एंड आप वहाँ से सोविनियर्स बहुत ले सकते हो ओल्ड क्वार्टर से, वो आपको पूरा वैसी जगह मिलेगी, टूरिस्ट से भरी हुई है. पूरे दिन आप पूरा दिन निकाल सकते हो अगर वहाँ पे. वो फेमस ट्रेन स्ट्रीट भी है जिसका आपने रील्स में देखा ना, वो ट्रेन आती है बगल में, आप बिल्कुल बैठे रहते हो यहाँ से. अच्छा, मार्केट के बीच से निकलती है वो जो ट्रेन निकलती है, वो ट्रेन स्ट्रीट भी है. तो वहाँ पर जाके ही आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं. अब तो ट्रेन के टाइमिंग अनफॉर्चुनेटली जब हम गए उस दिन कोई ट्रेन ही नहीं आ रही थी, फिर भी आप रेलवे की पटरी के साइड में वो आपको ले जाएंगे, आप बैठ के वहाँ पे. आपको एक आइटम जरूर खरीदना पड़ेगा, आप फोकट नहीं बैठ सकते वहाँ पर. अच्छा, ये वहाँ का रूल है, आपको चाहे एक कॉफ़ी लेनी पड़ेगी उनकी. बाकी आप लोग अपना गूगल पे सर्च करके, वहाँ की एग कॉफ़ी बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं लिखा हुआ दिख जाएगा, वो आप खा सकते हो. बनमी फेमस है वियतनाम, उसका बेसिकली बनमी उनका सैंडविच होता है. ओके, ब्रेड के अंदर आपका डाल के वो लोग जो भी नॉन वेज डालते हैं, स्प्राउट्स वगैरह, वो आप कस्टमाइज करा सकते हो अपने हिसाब से उनसे. एंड फिर इनका फ करके एक सूप होता है, नूडल सूप, उसमें मोस्टली ये लोग पोर्क बीफ डालते हैं. चिकन विकन वाला मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा समझ नहीं आया, तो मैंने नहीं खाया वहाँ पर. बाकी बनमी आपको सैंडविच हर जगह मिल जाएगा. इसके बाद ये था हमारा पूरा हनोई का. हनोई से फिर हेलोंग बे हम लोग गए थे. ये भी आपको बता देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस. वो पहाड़ों के बीच, मतलब पहाड़ बने हुए उनके बीच में, वो पूरा वाटर बॉडी है. अच्छा, आप यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोज दिख जाएंगे हेलोंग बे के. वो बेसिकली आप हनोई में ओल्ड क्वार्टर में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स बैठे हैं,
आप जाइए उनसे, आप पूछिए, आपको पूरा वो प्लान बना के दे देंगे। अगले दिन आपको बस आएगी, एक पर्टिकुलर स्पॉट बता देंगे वो, आपको होटल से पिक भी मिल जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो तो। वो बस आपको लेके जाएगी हेलोंग बे और शाम को आपको वापस लेके आएगी। हमने ये वाला प्लान जो हमारा एयरबीएनबी का होस्ट था, हमने उसी से बात करके बुकिंग करा ली थी। अच्छा। और उसने हमें सारा डिटेल दे दिया था, हमने उनको पे कर दिया। सुबह हमें एयरबीएनबी पे गाड़ी लेने आ गई थी, वो हमें बस तक ले गई, बस से हम लोग हेलोंग बे चले गए। पूरा दिन आप हेलोंग बे पे निकालो, जाना है इस जगह पे। हाँ, हेलोंग बे अच्छी जगह है, क्रूज पे आप पूरा। वेदर वगैरह कैसा होता है? अच्छा वेदर, मतलब वो आप मतलब अलग ही जगह है बिल्कुल। वो थोड़ी और भी चीजें उसमें रखते हैं, वो एक विलेज में भी लेके जाते हैं आपको, वो जगह भी दिखाएंगे। कॉन्ग स्कल आइलैंड जो मूवी आई थी, अच्छा, उसकी शूटिंग उस विलेज में हुई थी, यही हेलोंग बे के आगे पड़ता है। अच्छा। और इनके साथ एक टूर गाइड भी रहता है बस में, जो आपको पूरी हिस्ट्री समझाएगा हेलोंग बे की, वियतनामीज लोगों की। तो अच्छा ट्रिप रहता है, शाम तक आप वापस हनोई आ जाते हो। तो आगे मैं आता हूँ, अब मैं गया था हनोई से हो ची मिन्ह सिटी भी। तो वहां से मैंने वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करी हुई थी हनोई से हो ची मिन्ह सिटी की, और वहाँ पे मैंने वो नाम का फॉर्मेट वियतनामीज एयरलाइन वाला यूज़ किया था, मिस्टर ओरो। हाँ, वो वाला यूज़ किया था मैंने। नहीं, इनफैक्ट सॉरी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ, सॉरी मैंने इसमें गलत बता दिया। मैंने इधर भी वही फॉर्मेट नाम का यूज़ किया था, फर्स्ट और सेकंड नेम, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि हम लोग फॉरनर्स हैं तो अगर वो वीज़ा से वेरीफाई करेंगे तो नाम मैच हो जाएगा हमारा। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा। हमें बोर्डिंग पासेस दे दिए, हम लोग एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक भी। एक बहुत अच्छी आपको चीज़ बताता हूँ वियतनाम की, वो लोगों के वहाँ एयरपोर्ट का क्या सिस्टम है कि आप एयरपोर्ट में एंट्री मार के आप एयरपोर्ट से बाहर भी आ सकते हो, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये इतना वो लगा मेरे को कि मान लीजिए आप हमारे इंडिया में क्या होता है कि आप एक बार एंट्री कर गए तो आपको बाहर आने के लिए 10,000 रीजन देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, सिक्योरिटी साइन करने पड़ेंगे, ये सब। वहाँ पे ये सारा कोई सिस्टम ही नहीं। आप अगर अंदर गए हो, मान लो आपको, जैसे मैंने लोगों को देखा अंदर, भाई बैगेज चेक इन हो गया है, अभी फ्लाइट में टाइम है, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करे, वो बाहर आके सिगरेट पी रहे एयरपोर्ट से बाहर आके, और फिर अंदर चले गए सिगरेट पी के। तो ये बड़ा अलग मेरे को चीज दिखी, पूरा फ्री है, मतलब फ्री है, लगता है हाँ टूर पे कहीं गए, वैकेशन पे कहीं गए। और फिर हम लोग वहाँ से आ गए आपका हो ची मिन्ह सिटी। ये फ्लाइट भी मैं इंडिया से ही बुक करके गया था अपनी पहले से ही। अच्छा। वियतनाम एयरलाइंस का मेरे को जो टाइम सही लगा वो मैंने बुक किया। ये मेरे को फ्लाइट अराउंड पड़ी कुछ, ये मान लीजिए 5 लोगों की सिंगल साइड की अराउंड 38,000 के आसपास, 38 पाँच लोगों की मिला के टोटल टू, हनोई टू हो ची मिन्ह सिटी 2.5 घंटे की फ्लाइट है ये भी। और आप हो ची मिन्ह सिटी उतरते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं ये चीज़ कह रहा था कि वो वहाँ का केरला है। वहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपको बाहर निकलते ही वो शरीर पे समझ आ जाएगा कि ये थोड़ी गर्म जगह है, ह्यूमिड जगह है, जैसा हनोई में ठंडा और प्लेजेंट था। बट एक दिन लगता है आपको एक्लिमेटाइज होने में वहाँ पर भी। और हनोई मेरे को एज अ पर्सन, मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। हो ची मिन्ह सिटी मतलब वो उनका सॉर्ट ऑफ बहुत ही, आप ये मान लो शहर टाइप जगह हो गई। हनोई में तो जैसे आपको पुराने टाइप का आर्किटेक्चर दिखेगा, देखने लायक चीज थी, देखने लायक चीज की पुरानी चीजें ज्यादा बनी हुई, थोड़ा ट्रेडिशनल है। उसी के ऑपोजिट हो ची मिन्ह सिटी बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रॉपर शहर, गुड़गांव टाइप नहीं होता है। वो दिखेगा आपको, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिस वाले ऑफिस जा रहे हैं, और वैसे वाले आपको फीलिंग है। तुमने खुद से बोला नहीं जहाँ से निकला था वही आ गया यार, तो वही है। हाँ, मतलब हम लोगों के दिमाग में एक टाइम का तो ये है, हम लोग जब एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी जाते होंगे, यार ये तो ऐसा लग रहा है कि गुड़गांव में कहीं पर, कि इससे अच्छा तो हनोई था, हनोई रह लेते यार। सही बात है, एक दिन बर्बाद कर दिया, एक दिन बर्बाद कर दिया। मतलब हम रुके वहाँ पे 3 दिन हो ची मिन्ह सिटी में भी, क्योंकि वहाँ पर भी 2-3 जगह है जहाँ पे हम लोग गए। तो बट हमारा फर्स्ट रिएक्शन यही था, हमें हो ची मिन्ह सिटी ज्यादा पसंद नहीं आया। तो मैं आप लोगों को उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। हनोई है एक, तो हनोई आपको अच्छा लगेगा। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी के बीच में एक इनका टाउन और पड़ता है या सिटी और पड़ती है, उसका नाम है डनांग। डनांग, डनांग, हमने पहले डनांग भी जाने का सोचा था बट वो ओवर हमारे बजट से ज्यादा हो रहा था। डनांग तो नाम से ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ी एरिया हो। एक्चुअली में आपने बिल्कुल सही बोला है, वो है पहाड़ी, वो पहाड़ प्लस आपका सी साइड वाला एरिया, बस सही है। तो वो एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो आप हनोई, मैं तो बोलूंगा अगर अगली बार मुझे वियतनाम जाना है ना, मैं हो ची मिन्ह सिटी अवॉइड करूंगा, मैं तो हनोई और डनांग जाऊंगा बस।
नॉन वेज छोड़ दिया, अब कैसे जाओगे? हाँ ये भी बात है, खा लेंगे कुछ ना कुछ, ब्रेड खा लेंगे, बटर खा लेंगे। नहीं अब समझ है ना कि मैं तो इसमें हमने एक काम अच्छा किया था कि हम इंडिया से अपना कुछ जो बेसिक चीजें थी खाने की, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा था, हम उसके हिसाब से अपना कुछ जैसे थोड़ा आटा ले गए थे, अच्छा, बटर ले गए थे, जैम ले गए थे, बाकी आपको फ्रूट्स वहाँ नॉर्मल ग्रोसरी अलाउड था सब ले जाना? हाँ, आपको अलाउड है, कोई किसी ने हमें क्वेश्चन नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी पैकेट्स मेरी वाइफ ने बना लिए थे बेबी के लिए, वही हमने भी यूज कर लिया। ब्रेड आपको इजीली मिल जाएगी वहाँ पर, कहीं भी मिल जाती है, कहीं पे मिल जाती है, जाइए आप वहाँ पे उनके स्टोर में घुसिए, इनफैक्ट आपको इंडियन मसाले भी मिल जाएंगे वहाँ, MDH भी मिल रहा था, जैसे देख के मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, मैंने कहा क्या हो गया भाई, इंडियन मसाला वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और फ्रूट्स आपको बहुत वैरायटी के वहाँ पे मिल जाएंगे, बिंदास खाइए अगर आपको सुबह सुबह, उनकी कॉफी बहुत चलती है तो आप कॉफी भी अपनी। तो कॉफी में कुछ डिफरेंस? उनकी कॉफी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं वो लोग, वो नॉर्मली ब्लैक कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, विदाउट शुगर। हाँ, विदाउट शुगर भी मिलाते, कंडेंस्ड मिल्क टाइप कुछ वो डालते हैं उसमें, थोड़ा मीठा ज्यादा खाते हैं वो लोग, वियतनाम के लोग हैं, हमारे देसी की राड़ा। हाँ, वैसे वाले हैं, आपको हर चीज में मीठा दबा के मिलेगा खूब उनका। गुजराती है क्या? गुजराती बट इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मुझे गुजराती नहीं दिखे वहाँ पर। कमाल, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे हनोई में भी, हो चि मिन सिटी में भी, आप ग्रैब पे भी अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, और वो लोग इंडियन ही लोग हैं जो वहाँ पे चला रहे हैं, तो अगर आपको इनफैक्ट कोई हेल्प चाहिए हो, हमारे हो चि मिन सिटी में जो हमारे रेस्टोरेंट वाले भाई थे, पता चला वो भी उत्तराखंड के निकले, हमारे जो है फैमिली मेम्बर है वो भी उत्तराखंड की हैं, तो वो एक कनेक्शन बिल्ट अप हो गया, उन्होंने बताया अच्छा आप कहाँ से आए हो कैसे, उन्होंने हमारे बच्चे के लिए स्पेशल आलू पराठा भी बनवा के भिजवा दिया बच्चे के हिसाब से, फाइनली हमें इंडियन खाना भी खाने को मिला, हनोई में भी खाया हमने। हनोई में मैं आपको रेस्टोरेंट बता देता हूँ, एक ओल्ड क्वार्टर में पड़ता है, ग्रिल्स एंड ग्रेवीज करके, बहुत ही बढ़िया है, और भी है वहाँ पर, बट उसका खाना मुझे सबसे बेस्ट लगा। एक बार अगर ओल्ड क्वार्टर में हो तो वहाँ इंडियन खाना जरूर खा के आना, अगर आपका खाना खाने का मन हो इंडियन। ओके, और बाकी आप जब हो तो इंडियन में, ये इंडियन मतलब वेज ही कह रहे हो ना, वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा आपको वहाँ पर, आपको पनीर, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, टिक्का, मटन कबाब सब मिलेगा वहाँ पर आपको इंडियन के हिसाब से। ये नोट कर लो भाई जो बता रहे हैं, नहीं तो रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना कोई नहीं। एंड फिर इन भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमने इनसे पूछा भाई हमें यहाँ यहाँ जाना है, एक दिन हमें जाना था मीकोंग डेल्टा, ये भी हम खुद प्लान करके गए थे। अच्छा, मीकोंग डेल्टा पे आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखो, वो वाली जगह है जहाँ पे वो बोट में बैठ के पेड़ों के बीच में से नहीं जाते हैं रो करते हुए। अच्छा, वो वाली जगह है, तो हमें इन्हीं भाई ने जो ये हमारे रेस्टोरेंट वाले भाई हैं, इन्होंने एक वियतनामीज पर्सन को भेज दिया, वो कहते हैं ये मेरी पार्टनर है। अच्छा, और ये टूर्स वगैरह का काम करती है, तो आप इनसे बात करके आपकी बुकिंग आप करवा सकते हो। ओके, और क्योंकि हम पांच लोग थे, बच्चा भी साथ में था, तो हमारी प्रेफरेंस ज्यादा ये थी कि भाई हम अपनी एक पर्सनल गाड़ी अलग से करके जाए, पैसा लगा उसका नो डाउट ज्यादा, बट हमें कम्फर्ट मिला। और एक दिन हम मीकोंग डेल्टा गए, हमारे को नई टोयोटा फॉर्चुनर दी थी बंदे ने, और वो जो बंदा था हमारे साथ ड्राइवर, वो भी बहुत अच्छा आदमी, उसने हर जगह हमारी हेल्प करी, जहाँ जहाँ हमने बोला कि भाई हमें रुक के आम खरीदने हैं वहाँ से आम भी लेके आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आई। और कोई डिफरेंस आम में वहाँ में? आम में उनकी बेसिकली थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस है, उनकी वैरायटीज़ वहाँ पे बेसिकली वियतनाम की खुद अपनी वैरायटीज़ नहीं है जो उन्होंने बताया। अच्छा, वहाँ पर वो लोग थाईलैंड, मलेशियन और वहाँ से लाला के लोगों ने जो पेड़ लगा दिए थे, तो वही वैरायटीज़ वहाँ पे चल रही है। अच्छा, तो फ्रूट वाली कंट्री है वो प्रॉपर, नारियल और फ्रूट आपको मिलेंगे खूब वहाँ पर, अच्छे से अच्छे फ्लेवर और टेस्ट वाले। एंड हम लोग एक दिन मीकोंग डेल्टा का करके आए, मीकोंग डेल्टा बेसिकली क्या है, ये जो इनकी रिवर है मीकोंग रिवर, उसके बीच में आइलैंड्स बने हुए हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे आपको लेके जाते हैं, अराउंड अगर मुझे सही याद है तो चार आइलैंड्स हैं, ड्रैगन आइलैंड, यूनिकॉर्न आइलैंड, ऐसे करके उन्होंने नाम रखे हुए हैं। वहाँ पर जाके आप जो उनका ट्रेडिशनल विलेज स्टाइल है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोग वहाँ से उनका मीकोंग डेल्टा का हनी लेके आए, जो अच्छा, वहीं बनता है, स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है वो। जैस्मिन टी लेके आए, वो आपको एक्सपीरियंस कराएंगे छोटा छोटा, उसमें पिला के अगर आपको अच्छी लगे तो आप खरीद सकते हैं उनसे, हम लोग खरीद के लेके। जैस्मिन टी इट्स लाइक मतलब नॉर्मल टी हमारी या फिर या ग्रीन टी टाइप में? ग्रीन टी टाइप में है। अच्छा, तो फ्लेवर बहुत अच्छा है, वो उसे जो पीते हैं वो उसमें थोड़ा सा बी का पोलन डालते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, और उसमें वो एक चम्मच शहद डालते हैं, फिर उसके ऊपर से ये जैस्मिन टी डाल के आधा नींबू निचोड़ देते हैं। एनिमल कौन कौन से देखे? एनिमल उन्होंने हमें वहाँ के लोकल जो जिन्हें मजगर कहते हैं, एनाकोंडास, मतलब इतने बड़े तो नहीं थे वो, उन्होंने दिखाए। अच्छा,
वहाँ के इंडिजिनस जो इनके घोड़े होते हैं छोटी छोटी हाइट के, वो इन्होंने दिखाए हमको। और फिर इसके बाद इन्होंने हमें बी फार्म दिखाया जहाँ पे मेकोंग डेल्टा का स्पेशल शहद बनता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी उन्होंने बताया। और एक वैक्स भी दिया उन्होंने, वो बी के कुछ पोलन से ही बनता है, वो कहते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर लड़कियां जा रही हैं तो आप लेके आ सकते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉस्मेटिक, बहुत बड़े नेचुरल कॉस्मेटिक। एंड फिर उन्होंने वहाँ के लोकल फ्रूट्स खिलवाए हमें वहाँ पर बैठा के। फिर उन्होंने और हमें आइलैंड घुमाया, वो बोट से चलवाते हुए वापस लेके आए। फिर जो मेन बोट थी उसने वो पूरी नदी क्रॉस करा के हमारे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे हमें वापस ड्रॉप कर दिया और हम वहाँ से वापस आ गए हो चि मिन्ह सिटी। फिर एक दिन हमने ट्रिप रखा था जिस दिन हमें वापस आना था, तो हमने प्लान ही हिसाब से किया था कि हम सुबह निकल जाएंगे और वहीं से फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो वो मेरे को वुंगताऊ ये इनका एक टाउन पड़ता है हो चि मिन्ह सिटी से, आपका ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की राइड है। उनके हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं दीपक जी, बहुत ही जबरदस्त हाईवे, फास्टैग जैसा ही सिस्टम यूज होता है उनके वहाँ पर भी। बट पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है उनकी कि उनका फास्टैग बड़ी जल्दी रीड हो जाता है, मतलब हमें तो फिर भी रोक के तो भाई ऐसा है कि गाड़ी जा रही है वो थोड़ा सा धीरे करते हैं, बस जाते जाते में वो गेट खुल जाता है, वो रीड हो जाता है अपने आप। लेन्स बनाई हुई है प्रॉपर, उसमें आपके जो स्पीड साइन दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगले दिन भी हमारे पास ये टोयोटा फॉर्च्यूनर ही आई थी और यही बंदा था हमारे साथ जो पिछले दिन था, बहुत ही अच्छा बंदा, उससे काफी बातचीत हुई हमारी। एंड वही हमें वुंगताऊ लेके गया। वुंगताऊ इनका बेसिकली बीच है जहाँ पे आपका हो चि मिन्ह सिटी का एक मतलब हो चि मिन्ह सिटी नहीं बोलूंगा, वियतनाम का एक कोना आ जाता है। अच्छा अच्छा, वहाँ से ये वुंगताऊ बेसिकली आपकी साउथ चाइना सी आपको पूरी दिखती है। ओके। और वो बीच वाली जगह है, आप पूरे दिन वहाँ पे बैठिए नहाइए समंदर में। खाने की फिर से आपको वही चैलेंज आएगा वहाँ पे क्योंकि बीच वाला एरिया मिलेगा सी फूड, या तो वो खा लो या फिर आपको जो बेसिक बना के ले जाओ, अपना बना के ले जाओ। इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ आसपास मैंने गूगल पे सर्च किया था, मिल रहा था एक अच्छा रेस्टोरेंट था, बट क्योंकि हमें एक और रेस्टोरेंट मिल गया था वहाँ पे, हमने बेसिक चीज़ें खा ली जैसे ऑमलेट होता है भाई, क्लब सैंडविच हो गया, जूस मंगा लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, सही बात है। तो इनसे हमारा गुजारा चल गया वहाँ पर। फिर शाम को हम लोग का वहाँ एक लोकल मार्केट लगता है, हमने निकलने से पहले हमने भाई अपना वहाँ थोड़े बहुत सोवेनियर्स और लिए और बस वहाँ से फिर हम अपना एयरपोर्ट के लिए सीधा आ गए। 2.5 घंटे में उन्होंने हमें एयरपोर्ट छोड़ा। Okay. हमने वहाँ पे जाके अपने कपड़े चेंज करके अपना भाई इंडिगो की चेक इन लाइन में लग गए हम लोग। और आते हुए वापस से वही दिक्कत हुई जो मैंने आपको बताया था। इस वाली फ्लाइट में क्या हुआ था, इसमें आपको बैगेज भी खुद लेके अपनी नई फ्लाइट के लिए चढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसमें पहले वाली में ऑटोमेटिकली पहुंचा दिया था। हाँ जी, तो ये डायरेक्ट वाली ली थी या वैसे ली थी? नहीं, ये भी टुकड़ों में ही थी। ये भी आपकी पहले कोलकाता आएगी, कोलकाता से एयरक्राफ्ट चेंज होकर फिर वो दिल्ली आएगा। ये अराउंड सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट थी या 2:30 बजे की फ्लाइट थी वहाँ से हो चि मिन्ह सिटी से। और उन्होंने रीजन ये बताया कि आपका बैगेज इसलिए नहीं ट्रांसफर करते हैं वो, क्योंकि आप बाहर के देश से आ रहे हैं तो उसको कस्टम से स्कैन होकर निकलेगा कि आप लोग कुछ इल्लीगल इम्पोर्ट तो नहीं लेके आ रहे हो। तो भाई ये एक अलग हेडेक बन गया अब हमारे लिए। चलो जी, फ्लाइट आई, ये वाली फ्लाइट टाइम पे उड़ी, पूरी रात आपकी सोते हुए निकल जाएगी क्योंकि सुबह सब थके होते हैं, हम भी थके हुए आए थे। कोलकाता उतरेगी, फिर से वही चीज स्टार्ट, वो आपको बोलेंगे हाँ जी कौन कौन है पैसेंजर, आपको वहीं से इमिग्रेशन क्लियर करना है, पहले आप जाके बैगेज से अपना बैगेज उठाओ। वो आता है और भी धीरे धीरे क्योंकि वो एक एक बैग स्कैन होके आ रहा है। हमारे दिमाग में थॉट चल रहा है भाई दिल्ली की फ्लाइट ना छूट जाए, दिल्ली की फ्लाइट ना छूट जाए। बट ऐसा हो सकता था? देखिए पॉसिबल है, हो सकता था, बट क्योंकि इंडिगो की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती फिर ये हमें पहले उन्होंने क्लियर बोल दिया था, अगर वो फ्लाइट हमारी छूट भी जाती तो इंडिगो हमें दूसरी फ्लाइट में अकोमोडेट करता। बिल्कुल होना भी चाहिए। और मैं तो एक पैसे नहीं देता भाई, क्योंकि इसमें मेरी कहीं गलती नहीं, बनता भी नहीं है। तो इनफैक्ट मैंने कुछ इंडिगो वाले बंदों को ही देखा, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि सर पता नहीं ये वाली फ्लाइट को इतना छोटा इन्होंने क्यों बनाया, जब इनको पता है कि भाई आप कम से कम बीच में 3-4 घंटे का गैप रखो, आप इस हिसाब से फ्लाइट का रूट बनाओ। सही बात है, सारे पैसेंजर आ जाएं। भाई 1.5-2 घंटा क्या होता है भाई, उसमें आपको बैगेज कलेक्ट करके वो फिर काउंटर बना था एक, उन्होंने कहा हाँ जी आप अपना बैग यहीं छोड़ दो यहीं छोड़ दो, हमने कहा भाई यहीं छोड़ दें, बोर्डिंग पास आपको दिल्ली तक का वो वियतनाम में ही मिल जाएगा। अच्छा, आपको बेसिकली मेरे साथ 5 लोग थे तो मेरे पास 10 बोर्डिंग पास थे, 5 आपके हो चि मिन्ह सिटी से कोलकाता, फिर 5 आपके कोलकाता से नई दिल्ली के लिए। सीट्स आप अपनी पहले ही प्री सेलेक्ट कर लीजिएगा बुकिंग के टाइम पे ही, अगर आपको रैंडम नहीं चाहिए इधर उधर सीटें तो। सही बात है। एंड फिर हमने फटाफट अपने बैग उठाए, भागे,
वही इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर सिक्योरिटी चेक क्लियर करवाया, फिर उसके बाद अपना डोमेस्टिक की तरफ गए। डोमेस्टिक में वही बस फ्लाइट की बोर्डिंग ही स्टार्ट हुई थी तब, जाके बैठे बस, फिर उसके बाद आपका 2 घंटा 20 मिनट में वापस दिल्ली आ गए। क्या बात है, दिल्ली आके लगा आह, दिल्ली आके लगा आहा, मजा आ गए अपने देश। आते ही बहुत सारे पराठे खाए तरस गए थे जिसके लिए 10 दिन से नहीं खाए, 10 दिन से नहीं खाए, 10 दिन में लोंडा हल्का हो गया हमारा। देखा भाई तो कैसा लगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस बताया भाई ने पूरा, डिटो एक एक चीज बता दी गई आपको। और ऐसे पॉडकास्ट या ऐसी वीडियोस अब आगे आएंगी इस चैनल पे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हो सकता है वीक में एक आए या 15 दिन में एक आए, क्योंकि देखो एक ही दिन मिलता है संडे का, बामुश्किल उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं करके, तो हम मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे मैनेज करने की, नए नए टॉपिक पे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आए दोनों भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, जिस भाई तक पहुँचे ज़्यादा बैठा रहे, जो जाने वाले हैं वियतनाम भाई वो भी उनके लिए अच्छा है, जो सोच रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। और कोई अगर आपका स्पेसिफिक डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग आपको आंसर दे सके, रिप्लाई करें। या फिर और हाँ, कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, या कहीं ट्रेवल के टॉपिक पे तो वीडियो चाहिए, तो सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में, हम कोशिश करेंगे उस पर बनाने की, पूरी जानकारी आपको देने की, ठीक है ना। सो ये काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे कुछ वीडियो डले हुए, तो मैं यही सोच रहा था कुछ नया लाया जाए, तो आप लोगों के लिए आज शुरुआत हो चुकी है, श्री गणेश कर दिया नवरात्रों में, सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ की कृपा बनी रहे आप सब पर। और अंततः अंत भला तो सब भला, सब भला, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।